दोस्तों अभी मैं गूगल और यूट्यूब पर सर्च कर रहा था कि कैसे हम अपनी प्री रिकॉर्डेड वीडियो को लाइव कर सकते हैं, इसके अलावा मल्टी स्ट्रीमिंग हम कैसे कर सकते हैं, साथ ही साथ 24/7 लाइव स्ट्रीमिंग हम कैसे कर सकते हैं अपनी प्री रिकॉर्डेड वीडियो की। तो मुझे एक बहुत ही कमाल की वेबसाइट मिल गई है जिस पर हम बहुत ही आसानी से इस तरह का काम कर सकते हैं। इस वेबसाइट की मदद से आप 24/7 लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। आप इसे अपने मोबाइल फोन पर भी यूज कर सकते हो, इसे आप अपने पीसी पर भी यूज कर सकते हो और एक साथ 40 से ज्यादा प्लेटफॉर्म पर आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। सबसे पहले मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है और इस वेबसाइट पर पहुंच जाना है। दोस्तों जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे आप swiftstream.com की इस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। इस वेबसाइट पर आप डायरेक्ट भी आ सकते हो, आपको गूगल में टाइप करना है swiftstream.com तब भी आप इसकी वेबसाइट पर आ सकते हो, लेकिन लिंक के थ्रू अगर आप यहां पर आओगे तो आप इसे कुछ दिन के लिए फ्री में भी यूज कर सकते हो। आपको यहां पर इसे यूज करने के लिए ट्राई इट फ्री पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो अब आपको यहाँ साइन अप के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको साइन अप कर लेना है। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी दे देनी है और कोई भी पासवर्ड आपको यहाँ पर बना देना है। उसके बाद एग्री टर्म्स एंड सर्विसेज पर क्लिक कर देना, उसके बाद साइन अप पर क्लिक कर देना। तो जैसे ही आप साइन अप पर क्लिक करोगे यहाँ पर एक मैसेज आएगा, द अकाउंट इज सक्सेसफुली क्रिएटेड। उसके बाद हमें यहाँ पर लॉग इन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, प्लीज एक्टिवेट योर अकाउंट, यानी अब आपको अपने ईमेल पर जाना है। जो ईमेल आपने यहाँ पर दिया है उस ईमेल पर जाकर आपको इसे वेरीफाई कर देना है, एक्टिवेट कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्विफ्ट स्ट्रीम की तरफ से यहाँ पर एक एक्टिवेशन लिंक आ गया है, इस पर हमें क्लिक करके इसे वेरीफाई कर देना है। मैं इसे यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे आप इसे वेरीफाई करोगे इस तरह से स्विफ्ट स्ट्रीम का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, चैनल्स, डैशबोर्ड, वीडियो, शेड्यूल, अकाउंट, ये सारी डिटेल यहाँ देख सकते हो। और यहाँ पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म दिए गए हैं, आप यूट्यूब, ट्विच, टिकटॉक, अमेजॉन लाइव, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिन पर आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो एक साथ बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर लाइव करना वो भी आप कर सकते हो। तो आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो म्यूजिक के वीडियो होते हैं, प्री रिकॉर्डेड वीडियो होते हैं, वो वहाँ पर लूप में चलते रहते हैं, 24/7 लाइव होते रहते हैं और उनके एक ही चैनल पर एक साथ 7-8 लाइव चलती रहती हैं। तो वो काम भी आप यहाँ पर कर सकते हो। कैसे करेंगे वो सारी डिटेल हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए सबसे पहले हमें अपना चैनल क्रिएट करना होगा, यहाँ पर चैनल की कोई डिटेल देनी होगी। यहाँ पर दो तरीके हैं, मान लो आप अपने YouTube पर लाइव करना चाहते हो तो आप दो तरीके से यहाँ पर लाइव कर सकते हो। पहला तो ये है, आप YouTube पर क्लिक करो और आपका जो YouTube चैनल है जिससे आपने अपना चैनल बना रखा है उस ईमेल आईडी से आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। और यहाँ पर एक दूसरा तरीका है, ये है कस्टमाइज का। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो इसमें आप RTMP और स्ट्रीम की एंटर करके आप अपना चैनल को यहाँ पर ऐड कर सकते हो, जोड़ सकते हो। तो पहला वाला तरीका है YouTube, इस पर आप क्लिक करोगे जिससे आपने अपना YouTube चैनल बना रखा है उस ईमेल आईडी से आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। और ये पूरी तरह से सेफ है, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मैं यहाँ पर ट्राइंगल गेमर, ये जो मेरा YouTube चैनल है इसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये कुछ परमिशंस वगैरह मांगेगा, वो आपको यहाँ पर अलाउ कर देनी है। यहाँ पर कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करोगे यहाँ पर इस तरह से एक मैसेज आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हमारा ये चैनल ऐड हो चुका है। उसके बाद जो आपकी प्री रिकॉर्डेड वीडियो है उस वीडियो को आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। यहाँ पर वीडियोस का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ आप देख रहे हो एक वीडियो पहले से ही, यहाँ एक डेमो वीडियो यहाँ पर पहले से अपलोड हो रखी है। हमें अपनी वीडियो जो हम यहाँ पर लाइव करना चाहते हैं उसे हमें यहाँ से अपलोड वीडियो पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मान लो इनमें से किसी वीडियो को मैं लाइव करना चाहता हूँ, हमारी म्यूजिक की कोई प्री रिकॉर्डेड वीडियो है उसे हम लाइव करना चाहते हैं। यहाँ से मैं इसे सिलेक्ट कर लूंगा, उसके बाद ओपन पर क्लिक करेंगे, ये वीडियो यहाँ पर सर्वर के ऊपर अपलोड हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी जो प्री रिकॉर्डेड वीडियो है वो अपलोड हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है। इस वेबसाइट को आप अपने पीसी और मोबाइल दोनों पर यूज कर सकते हो। अगर आप इसे मोबाइल से यूज करना चाहते हो तो सिंपल आपको अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ओपन कर लेना है डेस्कटॉप मोड में और आप इसे यूज कर पाओगे। तो यहाँ पर इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, एक बार अगर आप अपनी वीडियो को इसके ऊपर अपलोड करते हो, जिस समय अपलोड हो रही होती है उस समय ये आपका डेटा कंज्यूम करती है। एक बार ये वीडियो इसके ऊपर अपलोड हो गई तो ये इसके सर्वर पर चली जाएगी और उसके बाद जो भी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही होगी उसमें आपका कोई भी डेटा नहीं लगेगा। यानी अगर आप अपने पीसी को बंद भी कर दोगे, मोबाइल को बंद भी कर दोगे, तब भी लाइव स्ट्रीमिंग चलती रहेगी, आपका डेटा यूज नहीं होगा। तो अब हमारी वीडियो यहाँ पर अपलोड हो चुकी है, प्रोसेस हो चुकी है, इस वीडियो को अब हम लाइव करेंगे।
यहाँ पर आप देख रहे हो एक डैशबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है, आपको डैशबोर्ड पर क्लिक कर देना है। अब आपको लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए यहाँ पर क्रिएट अ ब्रॉडकास्ट पर क्लिक कर देना है। अब इसमें आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, रिकॉर्ड लाइव और रियल टाइम लाइव। जो हमारी प्री रिकॉर्डेड वीडियो है उसे लाइव करने के लिए यहाँ पर हमें रिकॉर्ड लाइव वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, और अगर आप रियल टाइम लाइव करना चाहते हो यानी जो लाइव होती है रियल टाइम, उसे अगर आप करना चाहते हो तो आप इसे सिलेक्ट करोगे दूसरे वाले ऑप्शन को। तो हम यहाँ पर रिकॉर्ड लाइव के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐड वीडियो का ऑप्शन आ जाता है। जो वीडियो आपने अपलोड करी होंगी वो यहाँ पर आपकी शो होने लगेंगी। जिस वीडियो को आपको यहाँ पर लाइव करना है उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, ये वीडियो हमने यहाँ सिलेक्ट कर ली। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको चैनल सिलेक्ट कर लेना है, किस चैनल पर आप लाइव करना चाहते हो वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। मैंने एक ही चैनल अभी ऐड किया है तो मैं ट्रायंगल गेमर यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा। और उसके बाद लाइव टाइटल, यहाँ पर हम एक टाइटल दे देंगे अपनी लाइव स्ट्रीमिंग का, जो भी टाइटल है वो हम दे देते हैं। यहाँ पर मैंने टाइटल दे दिया टेस्ट लाइव। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जो भी आप लिखना चाहो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, लाइव नाउ और कस्टमाइज। आपको कस्टमाइज पर क्लिक कर देना है। जैसे जो हमारा स्टार्ट टाइम है वो यहाँ आ रहा है 18/2/2023, और आप चाहते हो कि हमारी लाइव स्ट्रीमिंग इतने टाइम बाद बंद हो जाए तो आफ्टर प्लेइंग द फाइल वंस। यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, आफ्टर प्लेइंग द फाइल वंस यानी एक बार आपकी वीडियो प्ले होगी उसके बाद आपकी लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो जाएगी अगर आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इससे आपकी वीडियो ऑटो लूप में चलती रहेगी, आपकी वीडियो जैसी कंप्लीट होगी फिर से स्टार्ट हो जाएगी, लूप में चलती रहेगी। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है आपको टाइम कि आप अपनी लाइव स्ट्रीमिंग कितने टाइम तक चलाना चाहते हो। स्टार्ट टाइम हमारा यहाँ हो गया। उसके बाद हम इस पर क्लिक करेंगे। आज हमारी 18 तारीख है, मैं चाहता हूँ इसे मैं 24 तारीख तक लाइव रखना चाहता हूँ, तो वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा, ओके करूँगा। उसके बाद ये टाइम जोन है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ भी लिख देना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ टेस्ट, ओके, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ पर इसे लिख दिया। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो अब हमारी लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है और लाइव स्ट्रीमिंग का प्रीव्यू आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पर चैनल का नाम आ रहा है ट्रायंगल गेमर और टेस्ट लाइव, ये यहाँ डिटेल देखने को मिलती है, और यहाँ आ रहा है लाइव यानी हमारी लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं चैनल पर आपको दिखा देता हूँ कि ये जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो कैसी दिख रही है। ट्रायंगल गेमर, यहाँ पर आप देख रहे हो हमारी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन इसमें जो थंबनेल है वो ऐसे ही डिफॉल्ट थंबनेल यहाँ पर लगा हुआ है। इस पर जब क्लिक करोगे तो आपको लाइव स्ट्रीमिंग दिखाई देने लगेगी। ये देखिए, ये हमारी लाइव स्ट्रीमिंग और काफी अच्छी क्वालिटी यहाँ देखने को मिल रही है। लाइव स्ट्रीमिंग हमारी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ सेटिंग्स और बता देता हूँ कि आप अपनी लाइव स्ट्रीमिंग पर जो थंबनेल है वो कैसे लगाओगे, वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। इसके लिए यहाँ पर हमें क्रिएट के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर गो लाइव पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप गो लाइव पर क्लिक करोगे आप यूट्यूब के लाइव कंट्रोल रूम पर पहुंच जाते हो। यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर जो हमारी लाइव स्ट्रीमिंग है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो ये जो लाइव स्ट्रीमिंग है आपकी यहाँ पर शो होने लगेगी, जो आपके चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है वो सारा यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेगा। अब आपको यहाँ एडिट पर क्लिक करना है। एडिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप इसके टाइटल को भी चेंज कर सकते हो। टेस्ट लाइव न्यू मैंने यहाँ पर दे दिया। उसके बाद सारी डिटेल आप यहाँ दे सकते हो, डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी आपको देना हो वो सारा कुछ आप यहाँ पर डिटेल फिल कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको कोई थंबनेल ऐड करना है तो अपलोड थंबनेल पर यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। मान लो ये थंबनेल मैं यहाँ ले लेता हूँ। उसके बाद ओपन पर क्लिक कर देते हैं तो हमारा थंबनेल आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा थंबनेल भी लग चुका है। उसके बाद सेव के बटन पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आप अपनी लाइव स्ट्रीमिंग की पूरी डिटेल को चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो और आप अपना थंबनेल भी लगा सकते हो। तो हमारी लाइव स्ट्रीमिंग प्रॉपर तरीके से यहाँ पर चल रही है। अब आपको किसी दूसरे चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर आप चाहते हो यही हमारी लाइव स्ट्रीमिंग कंटिन्यू हो जाए तो वो आप बहुत आराम से कर सकते हो। यहाँ पर क्रिएट चैनल्स पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद अगर आपको फेसबुक पर लाइव करना है, जहाँ पर भी आप लाइव करना चाहते हो वो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको दूसरा ऑप्शन बता देता हूँ, कस्टमाइज वाला। आपको कस्टमाइज पर क्लिक कर देना है और चाहो तो आप फेसबुक पर लाइव करो या फिर यूट्यूब पर, वो आप यहाँ पर RTMP के थ्रू कर सकते हो। तो मैं आपको फेसबुक का दिखा देता हूँ। तो उसके लिए हमें जाना होगा अपने फेसबुक पेज पर। तो यहाँ पर अब हम अपने फेसबुक पेज पर आ चुके हैं। इस पेज पर हम लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे। उसके लिए लाइव वीडियो पर क्लिक करेंगे।
उसके बाद गो लाइव इसे हम सिलेक्ट करेंगे। अब इस तरह से पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको स्ट्रीम की दिखाई देगी और इस एरो पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर सर्वर URL दिखाई देगा। ये हमारी RTMP है, इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और वापस चलते हैं अपनी स्विफ्ट स्ट्रीम पर। वापस हम यहाँ पर आ गए, यहाँ पर हम चैनल का नाम दे देते हैं। मैंने यहाँ दे दिया ट्राइंगल गेमर फेसबुक। उसके बाद RTMP एड्रेस जो अभी हमने कॉपी किया था वो हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हमें चाहिए स्ट्रीम की, तो वापस चलते हैं अपने फेसबुक पेज पर। यहाँ पर आपको स्ट्रीम की मिल जाएगी, स्ट्रीम की का ऑप्शन आ रहा है, इसे भी हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। वापस चलेंगे स्विफ्ट स्ट्रीम पर और स्ट्रीम की को यहाँ पेस्ट कर देंगे। ये हमने यहाँ पर पेस्ट कर दी। उसके बाद आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर देखोगे हमारा जो फेसबुक वाला पेज था वो भी यहाँ पर शो होने लगा है। उसके बाद इसके आगे जो ये वाला बटन आ रहा है इसको आपको स्लाइड कर देना है। जैसे ही आप इसे स्लाइड करोगे आपका फेसबुक पेज भी यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा और ये जो सेम वीडियो है ये हमारी वहाँ पर प्ले होने लगेगी। वापस मैं आपको दिखा देता हूँ फेसबुक पेज के ऊपर, तो आप देखोगे यहाँ पर इसका प्रीव्यू दिखाई देने लगा है। उसके बाद यहाँ आप देख रहे हो गो लाइव का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पर भी गो लाइव का ऑप्शन आ रहा है। गो लाइव पर हमें क्लिक कर देना है। अब ये हमारी जो लाइव स्ट्रीमिंग है ये हमारी फेसबुक पर भी लाइव हो जाएगी। ये हमारी लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ आ रहा है एंड लाइव वीडियो। अगर आपको इसे एंड करना है फेसबुक वाली को तो यहाँ से भी आप इसे एंड कर सकते हो। और ये हमारे यूट्यूब पर भी चल रही है। यूट्यूब पर आप देखो तो यूट्यूब पर भी ये लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ पर चल रही है। ये देखिए दोनों पर एक साथ ये लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है हमारी, फेसबुक और यूट्यूब पर। तो इसी तरह से आप यहाँ पर और भी चैनल्स को ऐड कर सकते हो। क्रिएट चैनल्स पर क्लिक करके आप यहाँ पर दूसरे चैनल ऐड कर सकते हो, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, फेसबुक हो या ट्विच हो, वो सारा कुछ आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर ये वाली वीडियो प्ले हो रही है और ये 24/7 चलती रहेगी। अब इसमें हमारे PC का कोई भी रोल नहीं है, हमारे मोबाइल का कोई रोल नहीं है, कोई भी डेटा हमारा यहाँ पर यूज नहीं हो रहा है। तो मैं अपने PC को अगर बंद भी कर दूंगा आराम से मैं सोता रहूंगा और लाइव स्ट्रीमिंग हमारी चलती रहेगी। तो दोस्तों आप इस वेबसाइट को एक बार जरूर यूज करके देखो और इस समय आप इसे बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो और मैं अगली जो मेरी वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल फोन पर इस वेबसाइट को यूज कर सकते हो और 24/7 लाइव स्ट्रीमिंग आप अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।